1, 2, 3, start. Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is Finding Mohit, and मैं कई बार सोचता था कि एक साल में कितना कुछ बदल जाता है और इस बीतते वक्त के साथ में एक इंसान कितना बदलता है. तो this video is about that change जो हम सब के साथ होता है. And I'm going to ask few questions from my friend Karan. And after a year, I'm going to ask the same questions and see how much change has happened to him. So sit back, relax, and enjoy the video. मेरा नाम करण खवास. मेरी उम्र 23 साल और मेरे इंस्टाग्राम फॉलो 86 फॉलोवर्स. आज है 25 अगस्त 2021 वेडनेसडे. भाई माय फेवरेट एनिमल बिल्लियाँ, क्योंकि बिल्लियाँ इज लव, बिल्लियाँ इज क्यूट. पता नहीं वो लेजी मैं लेजी तो बॉन्डिंग है. कंट्री जापान, मैं बोलना चाहूँगा जापान बिकॉज एनिमेज एंड मांगास, तो वहाँ का कल्चर से हैवीली इन्फ्लुएंस्ड हूँ. आई लव दोस थिंग्स, सो जापान. भाई नहीं, आई एम सिंगल, तो भाई कोशिश थी, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है भाई. यार जब से पैदा हुआ ना तब से मम्मी यही बोलती है कि कुछ गुण अंग आए नहीं है मेरे पास. बट मैं बोलना चाहूँगा मम्मी का गुस्सा, आई थिंक मम्मी का टेम्पर है मेरे पे. पापा जितना हार्ड वर्क नहीं है. बाकी आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं. पापा स्मार्ट थे, मैं फेलियर था. वीडियो गेम्स कोई से भी टाइप हो भाई, कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैं खेलूँगा, मेरे को पसंद है. बाकी तो ज़िंदगी में कुछ है नहीं ज़्यादा करने को, गेम्स ही है. और मांगा दोस्त लोग तो नहीं है. तरीका ही से आ गया. नॉलेज आई थिंक, एक अंडरस्टैंडिंग सर्टेन चीज़ों को लेके मैं बोलूँगा. आई थिंक ग्रेटफुल अबाउट दैट. मेरी मम्मी, मम्मी से जितना प्यार है उतना किसी से नहीं है. पापा से भी है, बट पापा से बॉन्डिंग उतनी नहीं है जितनी मम्मी से. How do I feel about my relationship with my mother? ठीक तो नहीं है. फर्स्ट थिंग आई थिंक मेरे को और बात करनी चाहिए थी. बात एज इन कि मेरे को बताना चाहिए था. डेली रूटीन तो नहीं, बट लाइक मेरे को बात करनी चाहिए थी फ्रॉम मिडिल स्कूल. मेरे को ऐसा लगता है अकेले कभी नहीं रोया मैं, आंसू आते नहीं है. लास्ट टाइम जब मैं रोया था आई वाज इन सेवेंथ और एट्थ क्लास, और पापा के सामने रोया था मैं. पापा के वॉलेट से मैंने कुछ पैसे चुराए थे दोस्त को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, तब लास्ट टाइम रोया था. आई फील गिल्टी एंड पापा को मैंने बताया, पापा कह रहे इट्स ओके. तो उसके अलावा मैं कभी रोया नहीं, जो कि सैड थिंग है, ट्रोमेटिक है. रोना चाहिए, हेल्दी है. क्योंकि एज सच कुछ स्पेसिफिक कभी सोचा नहीं कि लाइक ड्रीम बोलूँ उसे मैं. बट मतलब कंफर्टेबल लाइफ, अगर मैं बोलना चाहूँ तो ड्रीम लाइक कंफर्टेबली जीना,
ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ अचीव करना है या कुछ बनना है, और कंफर्टेबली जीना बस। आई थिंक सेल्फिश ना होना, लाइक कुछ एक्सपेक्ट ना करना कि बहन तू मेरा दोस्त बनना है तो तू सर्टेन थिंग्स लाएगा मेरी लाइफ में या मैं सर्टेन थिंग्स दूंगा तेरे को, वो चीज़ एक्सपेक्ट ना करना आई थिंक। देखो भाई इसके ऊपर अलग से वीडियोस बन सकती है, बट वन थिंग एक अगर मैं पिन पॉइंट करना चाहूँ तो लाइक टाइम वाली चीज़, लाइक नेवर ऑन टाइम वाली चीज़, लाइक तेरा टाइम बट मेरा टाइम बेसिकली। मोस्ट ट्रेजर्ड मेमोरी भाई, मतलब क्वेश्चंस तो पता नहीं कहीं से आ रहे हैं। मोस्ट ट्रेजर्ड मेमोरी आई थिंक मेरे लिए जो त्रिवेंद्र वाली ट्रिप थी, जब हम लाइक टॉप पे बैठे हुए थे एंड बादल के नीचे जा रहा था सूरज, आई थिंक दैट इज मोस्ट ट्रेजर्ड फॉर मी, दैट मोमेंट। छी छी भाई, गर्म गर्मी हो रही है भाई, दूर पसीना आ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे मेकअप। यार ऐसे कैसे बोल दो यार, मतलब मेरे को मेरे बारे में क्या पसंद है, मेरी जुल्फे, मेरी आंखें, नहीं। मैं 22 चौबीस साल सी हूँ, अगर समझ आ रहा है तो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं लेजी हूँ, मैं उठ सकता हूँ, बट मैं 22 चौबीस वहाँ पे रहता हूँ लाइक उस कंफर्ट जोन में। आई थिंक एनिमेशन का कोर्स करना बिना रिसर्च के, मैं रिसर्च कराने में घुस गया, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा अपना निमकाना, मैंने कर लिया। आई थिंक क्यों बहुत सारा पैसा वेस्ट हुआ है, वेस्ट तो नहीं लाइक पैसा स्पेंड हुआ है, टाइम गया है, तो आई थिंक थोड़ी रिसर्च करके ज़्यादा तो बेटर होता मेरे लिए। स्काई डाइविंग बहुत पहले सोचा था लाइक स्काई डाइविंग कितना कूल होगा, फिर मेरे को पता चला उसके बाद की हाइट से फटती है मेरी, और अभी तो मैंने कुछ सोच नहीं रखा कि या कुछ लाइक हाँ सोच नहीं रखा कि कुछ करना है, स्काई डाइविंग बोलूँगा मैं, और क्यों नहीं किया क्योंकि फोबिया है, वर्टिगो फटती है। परफेक्ट डे परफेक्ट डे परफेक्ट डे, या नॉर्मल नॉर्मल ही लाइक आई थिंक लॉकडाउन में मेरा परफेक्ट डे था ऑलमोस्ट एवरी डे, तो या बहुत लोगों को ये डिस्टर्बिंग लगता है कि मैं खुश था लॉकडाउन में, सुबह उठना, खाना, गेम खेलना, खाना, गेम खेलना, खाना, सो जाना, तो नो कॉल्स फ्रॉम फ्रेंड्स, कोई सोशल आउटिंग नहीं, मेरे लिए परफेक्ट था, परफेक्ट फॉर एंटायर सोशल पर्सन। लिमिटेशंस तो नहीं यार, वो भी ठीक ही था, एक्सपोजर सर्टेन चीज़ों को लेके ना, लाइक स्टीरियोटाइप बिठा दिया गया था मेरे को बहुत चीज़ों को लेके, तो मैं फुल्ली एक्सपोज नहीं था, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो आई गेस कि अगर मेरे को अच्छे से एक्सपोज करते, स्टडीज लाइक स्कूल नॉलेज नहीं बट लाइक एक्सपोजर एक चीज़ों को लेकर। गेम मत खेल लॉकडाउन में, गेम मत खेल, कुछ काम कर ले, अभी मेरी जिंदगी थोड़ी ठीक होती है। भाई बट जो हो गया क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली लाइक मैंने बहुत टाइम वेस्ट नहीं बोलूँगा बट लाइक स्पेंड किया गेम के ऊपर, वेस्ट नहीं बोलूँगा मैं, वेस्ट नहीं बोलूँगा, मेरे को गेम्स पसंद है, तो देख यार आई एम डूइंग व्हाट आई लव, तो एक तरफ वेस्ट है बट बोलना नहीं चाह रहा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा उस चीज़ को। तो आई थिंक डेफिनेटली अगर कुछ काम करता तो वही ना, अब सेल्फिश वाली बात आ गई, मैं उससे कुछ चाह रहा हूँ। एडवाइस फॉर द प्रेजेंट करण करण ब्रा, एडवाइस फॉर माई सेल्फ, टेंशन मतलब, और टेंशन स्ट्रेस मतलब, क्योंकि आजकल मैं बहुत सोच रहा हूँ, तो आई प्रेजेंट सेल्फ तो ये, फ्यूचर तो किसने देखा है भाई, बाहर जा रहा हूँ ट्रक ने ठोक दिया। मैं अभी भी बेसमेंट में रहना चाहता हूँ, 1 साल आगे भी मेरे हिसाब से, और खुश तो मैं हूँगा ही क्योंकि मैं करण हूँ, मतलब क्या अब
बाकी आई थिंक फ्रेंडशिप थोड़ी इम्प्रूव होगी सर्टेन लोगों के साथ, आई थिंक मैंने थोड़ा कट ऑफ कर दिया है। बाकी शुड बी अर्निंग वेल, मेजर नहीं कि गाड़ी बाइक का जानना, मतलब खुद के लिए, एंड मे बी एक गर्लफ्रेंड हो एक आध गर्लफ्रेंड, एक आध मतलब एक गर्लफ्रेंड हो, बस आई थिंक इतना ही, बाकी तो क्या ही आगे की बात है गर्लफ्रेंड डेफिनेटली भाई, गर्लफ्रेंड चाहिए मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।